नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर की बर्फी। यहाँ मैंने लगभग 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और इसको अब मैं दूध की मदद से इस तरह से इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना के तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने जो दूध लिया है, यह मैंने चॉकलेटी फ्लेवर का लिया है। इस तरह से हम अपने दूध का अच्छे से बैटर बनाते हैं। यहाँ हमने एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हम बैटर बनाएं तो थोड़ा थोड़ा दूध ही हमने डालना है, ज्यादा दूध एकदम नहीं डालना है। अगर हम इसके अंदर ज्यादा दूध एकदम डाल देंगे तो जो ये हमारा बैटर है इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे इसको मिलाते हुए इस तरह से अपने मिल्क पाउडर का बैटर तैयार करना है। अब जो ये हमारा मिल्क पाउडर है और दूध का मैंने एक सॉफ्ट सा घोल बना के तैयार कर लिया है और इसमें एक भी गुठली नहीं पड़ी है। इस तरह से यह मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून घी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ 1 कप के करीब दूध। इस तरह से हमने अपने दूध और घी को इस तरह से मिलाना है जब तक कि हमारा दूध अच्छे से गर्म नहीं हो जाता, या हम यह भी कह सकते हैं कि हमने घी के अंदर जो दूध डाला है उसके अंदर हमने दूध को बॉयल करवाना है अच्छे से। इस तरीके से हमने इसको हिलाते हुए ही मिलाना है। अब जो ये हमारा दूध है ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने दूध का बैटर बना के तैयार कर रखा है ये हम इसके अंदर मिला देंगे। इस तरह से हमने अपने मिल्क पाउडर का जो पेस्ट बना रखा है थोड़ा थोड़ा ही हमने इसके अंदर डालना है और इसको कंटिन्यू हमने चलाते रहना है। अगर हमने इसको बीच में छोड़ दिया तो जो ये हमारा पेस्ट है ये अच्छे से घुल नहीं पाएगा, ये एक ही जगह जम जाएगा। इस तरह से हमने इसको धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाते जाना है इस तरीके से। और आप भी देख भी रहे हैं कि इसका जो कलर है ये कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो ये हमारी बर्फी है ये बिल्कुल चॉकलेट के जैसी ही बनेगी। अब हमने कंटिन्यू इसको चलाते रहना है जब तक कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनके तैयार नहीं हो जाता। इस तरह से अब जो ये हमारा मिल्क पाउडर था, देखो ये कितने अच्छे से इसका मावा सा बनके तैयार हो चुका है। हम इसको 1 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेते हैं। अब जो ये हमारा ये जो मिल्क पाउडर था ये बिल्कुल एक डो के जैसा बन गया है। इसको हम एक प्लेट के अंदर डाल देते हैं। अब मैंने यहाँ एक प्लेट लेनी है और इसके अंदर मैं अब लगा देती हूँ थोड़ा सा घी, ताकि जो ये हमारी बर्फी है ये इस प्लेट के अंदर चिपके ना। इस तरह से अब हम इस अपने डो को इस प्लेट के अंदर निकाल देते हैं। अब ये सारा जो मिल्क पाउडर का ये मावा सा हमने बना लिया है और इसको मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल दिया है। अब मैं चम्मच की मदद से इसको इस तरह से फैला देती हूँ इस तरीके से। अब मैं अपने इस डो को इस तरह से एक प्लेट के अंदर फैला देती हूँ इस तरीके से। यहाँ हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हम चम्मच की मदद से इसको फैलाएं तो हमें चम्मच के नीचे ऑयल या घी जरूर लगाना है, ताकि जो ये हमारा डो है ये चिपके ना इस तरीके से। अब जो ये हमारा मिल्क पाउडर था इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है और इसको ठंडा होने के लिए हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं, फिर हम इसकी बर्फी काट के तैयार कर लेंगे। अब हमने जो बर्फी जमाने के लिए रखी थी उसको 2 घंटे हो चुके हैं और ये आप देख भी रहे हैं कि कितनी टाइट ये है, जो हमने डो था कितना टाइट हो गया है। अब हम इसको चाकू की मदद से इस तरह से कट करते हैं इस तरीके से। हम इसको अपनी पसंद के अनुसार छोटी या बड़े पीसेज इसके काट सकते हैं।
इस तरीके से। अब हम अपने इन सारे पीसेज को इस तरह से प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं इस तरह से। अब जो ये हमारी बर्फी है इनको मैंने काट कर तैयार कर लिया है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो आप इन बर्फियों को जरूर बना के देखें और इसको बनाते समय 7 से 8 मिनट का ही टाइम लगता है और हमारी बर्फी बनके तैयार हो जाती है। तो आपने ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। और आप अगर इन बर्फी को बनाएंगे तो आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उन्हें आप मेरे साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। But it's too late now, I remember.